दिल्ली दंगों को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती नजर आ रही है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ तमाम तरीके अपनाने की मांग कर रही हैं, जिससे दंगों का असली गुनहगार पकड़ा जाए। आम आदमी पार्टी के माननीय सांसदों ने संसद भवन में गांधी जी की मूर्ति के सामने दिल्ली दंगों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में दंगों के दौरान हुई हिंसा की SIT जांच की मांग की है। उन्होंने भड़काऊ भाषण देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नार्को टेस्ट कराने की भी मांग की है। देखिए, इसकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, JPC बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए, और जो जो नेता इसमें शामिल है, जिसके बारे में हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की और उनका रातों रात जज का ट्रांसफर कर दिया गया, मुरलीधर जी का, कैसे न्याय मिलेगा? जब जज का ही ट्रांसफर हो जा रहा है तो न्याय कहां से मिलेगा? तो इसलिए इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए, SIT और बनाई जाए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में, और इसकी जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी होना। दिल्ली पुलिस SIT की गठन करके इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस कैसे करेगी? दिल्ली पुलिस के लोग तो आप देख रहे हैं, मरा हुआ आदमी पड़ा है, उसको कह रहे हैं जनगण मन गाओ। आप देखे नहीं वीडियो? सारे नेताओं के पुलिस अफसरों के नार्को टेस्ट कराओ, लाइव कराओ, उसको पूरा देश देखे। दूसरी ओर दिल्ली हिंसा पर प्रदेश BJP अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है और बयानों की जांच की मांग की है। देखिए, ये मैं तो फर्स्ट डे से बोला कि ये दिल्ली की हिंसा पूर्व नियोजित है और धीरे धीरे परतें खुलने लगी। कुछ दिन तक तो जो छतों के ऊपर जैसी तैयारियाँ हुई थी उनसे पता चला, कैसे पेट्रोल बम, कैसे तेजाब, कैसे पत्थर, कैसे गुलेल, कैसे नई नई रॉकेट लॉन्चर की शक्ल के हथियार बनाए गए, और अब उमर खालिद का बयान, तो ये अभी स्पष्ट हो गया है। उसी में सोनिया जी का बयान, राहुल जी का बयान, ये कांग्रेस के साथ साथ और जो आम आदमी पार्टी के विधायकों का बयान, और उस संदर्भ में जितने बयान आए हैं उन सभी बयानों को अभी कपिल मिश्रा के भी बयान को चेक करो ना। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि हेट स्पीच किसका है ये तो पता करना चाहिए ना। हम आप सड़क पे थोड़ी फैसला कर सकते हैं कि किसका बयान हेट स्पीच है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ कि सभी के बयान को माननीय कोर्ट चेक करे और जिसका हेट स्पीच हो उसको पनिश करे। बता दे, दिल्ली हिंसा की गूंज संसद में भी सुनाई दी है। कांग्रेस समेत विपक्षी कई पार्टियों ने दिल्ली हिंसा के मामले पर सदन में चर्चा की मांग की। इसे लेकर लोकसभा और राज्यसभा में खूब हंगामा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।